बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ एनडीए जीतन राम मांझी को शामिल करने के बाद फूला नहीं समा रहा है, वहीं मांझी की वजह से उसकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जी हां, बिना शर्त एनडीए में शामिल हुए मांझी की महत्वाकांक्षाएं भी अब जागने लगी हैं। पार्टी ने सीटों पर दावा ठोक दिया है, वहीं एलजेपी भी जेडीयू और बीजेपी को लगातार आंख दिखा रही है। संकेत गठबंधन में खटास के मिल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का साथ छोड़ फिर से एनडीए में वापसी करने वाले जीतन राम मांझी ने भले ही पहले ये कह दिया हो कि हम सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ और ही बयां कर रही हैं। जैसे वो महागठबंधन में सीटों को लेकर संग्राम छेड़ रहे थे, वही अब एनडीए में भी कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हम के नेता 7-8 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी मान रहे हैं। हम सेक्युलर के नेताओं की माने तो उनकी संभावित 7 सीटें हैं। हम की ये दावेदारी एनडीए पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मांझी के एनडीए में आने से एलजेपी की नाराजगी और बढ़ गई है और अब पार्टी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। इसके लिए 7 सितंबर को दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एलजेपी इस बात से नाराज है कि मांझी को एनडीए में शामिल करने से पहले उचित फ्रंट पर बात क्यों नहीं की गई। इस बैठक के अलावा एलजेपी ने विज्ञापन देकर भी एनडीए पर निशाना साधा है। विज्ञापन में लिखा गया है, वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। माना जा रहा है कि इशारों में नीतीश कुमार इसमें तंज कस गए हैं। इसके अलावा विज्ञापन में लोजपा ने एक नारा भी दिया है कि आओ बनाए नया बिहार, युवा बिहार चलो चले युवा बिहार के साथ। एलजेपी के इस विज्ञापन से साफ है कि वो खासा नाराज है। इसके बाद अब यही कहा जाएगा कि एलजेपी एनडीए से नाता तोड़ सकती है, इसकी वजह जीतन राम मांझी बन सकते हैं। लेकिन इस नाराजगी से जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मांझी के एनडीए में आने से जेडीयू तो बेहद खुश है, पार्टी ने उनकी बेहद तारीफ भी की है। जेडीयू का कहना है कि इनके जैसे कामयाब नेता को कम कर नहीं आंका जा सकता है और ये भी उनके आने से एनडीए के सभी घटकों को फायदा होगा। मांझी के एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी उनकी तारीफ की है। मोदी ने कहा कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी का महागठबंधन छोड़ना साबित करता है कि जेल से चलने वाली पार्टी दलितों पिछड़ों का भला नहीं कर सकती। मांझी जी का एनडीए में स्वागत है, गठबंधन में उनके शामिल होने से और मजबूती मिलेगी। अब जेडीयू और बीजेपी तो मांझी के आने से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन ये खुशी एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।